देखिए, भाजपा सरकार के राज में ही सबसे ज्यादा हक अधिकार बहुसंख्यक समाज का छीन रहा है। बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री बनाने से अगर हमारा आरक्षण मिल जाता है, हमारा संविधान बच जाता है, हमारी वोट की ताकत बच सकती है तो हम माने, लेकिन एक मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, देश का संविधान तोड़ा जा रहा है, देश की EVM द्वारा वोट की चोरी हो रही है। कहीं ना कहीं जो है आज सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोगों का हनन, हक अधिकार छीनने का काम, अत्याचार अन्याय का काम तो वर्तमान में सरकार में हो रहा है। कैसे आप कह रहे हो OBC SST को हक मिल रहा? 400 का नारा EVM द्वारा दिया जाता है। EVM भी BJP का एक सहयोगी साथी है और देश के अंदर 14 से लेकर अब तक जितना EVM ने हमारी वोट की चोरी की है और वोट की चोरी करके ये सरकार चुनी जा रही है। इस समय पर जो है EVM और चुनाव आयोग और वर्तमान में सरकार सब एक उस पर चल रही है। जब वो आदेश होता है, जब वो डेट फिक्स करते हैं, जब उनका आदेश होगा उसी हिसाब से मशीन सेट होगी। इसलिए कहीं ना कहीं EVM भी एक बहुत बड़ा इसके 24 का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो EVM द्वारा ही 400 पार जा सकते हैं। अगर आपके पास लोगों का समर्थन है तो आप वोट की ताकत से जीतिए ना ईमानदारी से, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। नमस्कार, मैं नूरजहां। और जिस तरीके से आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसको जो है नेशन बिल्डर्स में बदल देना चाहिए। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं सर, क्या वजह है जो आप जो जनरल कैटेगरी को बदलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, जो आज प्रेस वार्ता में आकर बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की बात को सरकार तक और देश की जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, नेशनल बिल्डर्स जो है वो अभी आपने अंदर प्रेस वार्ता में सुना भी, तो ये एक नया कानून लाया जा रहा है जो अभी सरकार द्वारा नहीं, हमारे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा ये बनाया गया और ये सरकार तक हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर इंटर कास्ट अगर जनरल या SC ST OBC के लोग आपस में शादी करते हैं तो उनको ये आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार इसको नहीं मानेगी, इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं जो है आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी कामयाब नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना यही है कि हम सब लोग अगर एकजुट होकर इस लड़ेंगे तो हो सकता है नेशनल बैंडर लागू हो जाए। आपने सरकार से प्रस्ताव रखा है ये? हाँ, हमारी जो है WTP की ओर से, तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों की ओर से हमने जो है देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इसके बारे में लेटर भेजा है, चीफ जस्टिस को भी भेजा है कि इस पर गौर किया जाए और अब आगे देखते हैं उनका क्या जवाब आता है, फिर हम अगला कदम उठाएंगे। तो इसमें मुख्य तौर पर भी बताइए, बहुजनों के लिए जो बहुजन समाज रहते हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? बहुजन को ये फ़ायदा होगा, देखिए अगर हम इंटर कास्ट में शादी करते हैं तो आज तो हमारा जो आरक्षण है वो फिक्स है, उसके अलावा हम कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे लोग जो है इंटर कास्ट में शादी करते हैं तो उसका आरक्षण भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है बहुसंख्यक समाज मजबूत होगा, तो इसका यही हमारा मैसेज आता है। एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी, जो भाजपा सरकार है उसमें जो उन्होंने टिकट दिया है कंगना रनावत को, उन्होंने ये कहा है कि जो आरक्षण है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जो आज आज़ादी के 75 वर्ष में देश के न्यायपालिका, राजनीति, प्राइवेट सेक्टर हो, मीडिया क्षेत्र हो, सब पर वही तो लोग 90% से 95% कब्जा जमाए बैठते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आरक्षण से जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, MP बन रहे हैं वो बने और आगे आए, तो कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहते हैं कि आरक्षण भी अगर ख़त्म हो जाता है तो सारी हिस्सेदारी उनकी हो जाएगी, जो हमारे लोग 10-20% जो आज हर एक क्षेत्र में आ रहे हैं पढ़ लिख कर, वो बंद हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं कंगना रावत जो बोल रही है वो एक स्वर्ण समाज से आती है और उसका यही मकसद है, जो SC ST OBC के लोग जो हैं, जो आज बड़े बड़े पदों पर आ रहे हैं, बाबा साहब ने जो संविधान में हक अधिकार दिया है वो ना आए आगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई आरक्षण ख़त्म हो जाए। क्यों हो जाए आरक्षण ख़त्म?
क्योंकि जो सर्वण समाज है, जो ब्राह्मण समाज जिसे आप कहते हैं, जो जनरल कैटेगरी वाला है, वो ये कहते हैं कि अगर एजुकेशन फील्ड में कहीं भी देखा जाए तो उनको हर जगह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, जैसे बिना कम अंक में भी जो बहुजन समाज है उनका एडमिशन कहीं भी हो जाता है, लेकिन वो कितना भी अच्छे ला रहे उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत आंकड़े पेश करते हैं। आप UPSC का रिजल्ट उठा लीजिए या किसी और कंपटीशन का रिजल्ट उठा लीजिए, आप कहीं ना कहीं SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे जर्नल से ज़्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंद कमरे में इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहाँ पर वही सर्वण समाज के लोग बैठे होते हैं, वो हमें नंबर नहीं देते और जर्नल को नंबर देकर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य जो सर्वण समाज के लोग बैठे हैं, ये कभी नहीं चाहते कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता में आए, ये नहीं चाहते। यही कारण है कि ये बार बार आरक्षण खत्म करने। मैं ये पूछता हूँ, OBC को 27% आरक्षण मिला, आज तक जो हम 10% आरक्षण ले पाए। कहीं ना कहीं आज जितना आरक्षण हमें मिला है वो आरक्षण भी आज तक हमें नहीं लेने दिया, क्योंकि हमें नॉट सूटेबल कह के हमारी वैकेंसी को खाली छोड़ दिया जाता है। वो तुरंत उसके कुछ महीने बाद ही कॉन्टैक्ट पर सर्व समाज के लोगों को वहाँ ले लिया जाता है। फिर कोर्ट इनका है तो कोर्ट के बहाने से वहाँ पर रेगुलर भी ये होने जा रहे हैं। तो योग्यता के आधार पर सीट देते होंगे ना? देखिए, योग्यता के आधार पर अगर सीट देते तो आज जो 90% बहुसंघ समाज के लोग हैं, जब वो रिटर्न के अंदर सब 622 नंबर लेकर आ रहा है, इंटरव्यू में 2 नंबर क्यों मिल रहे हैं उसके? क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित की पेपर नहीं होता, वहाँ फेस टू फेस बातें करी जाती हैं। तो कैसे वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको 10 मिनट में कैसे पता लग गया कि ये व्यक्ति IPS बनने लायक है या नहीं है, या ये IPS बनकर देश को अच्छा चला सकता है ईमानदारी से, उसको 10 मिनट में कैसे पता लग गया? जो बच्चा 600 से भी ज़्यादा नंबर लेकर आया रिटर्न में, उसको 2 नंबर कैसे दे रहा? ये कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वहीं ऊपर से आदेश आता है और SC ST OBC के जो बच्चे वहाँ पर जाते हैं उनको इंटरव्यू में काट दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आरक्षण है तभी तो हमारे लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, वरना आरक्षण भी खत्म हो गया तो 95% जैसे जो, हाँ, जो आपने प्रस्ताव रखा है इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें भाजपा सरकार सहमत होगी कि नहीं होगी? देखिए, नहीं होगी। हमारे पास संविधान ने हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए दिया हक, हम फिर रोड पर उतरेंगे, हक मांगेंगे अपना और आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और हम आखिर में लागू कराएंगे इसको। तो हमारी जो है यही है देश की सरकार से, इसको लागू किया जाए, कानून में जोड़ा जाए और नया कानून बनाकर इसको लागू कर दिया जाए। इस तरीके से जातीय जनगणना की बात होती है तो मतलब आप सहमत हैं आप इस बात से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ और होनी चाहिए, और हमारी SC ST OBC की नहीं, देश के जो 10% सर्वण समाज के लोग हैं उनकी पहले जनगणना होनी चाहिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति जो 10% के लोग हैं उनकी पहले पता लगनी चाहिए कि 90-75 साल में ये कैसे न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में 90% आ गए जब उनकी संख्या 10% है। जातियों में पहले से ही बटे हुए हैं, आप जातीय जनगणना करवा के और उनको बांट रहे हैं, आर्थिक रूप से अगर जनगणना की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब जाति को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा ये जातिगत जनगणना कराने का ये मकसद है कि भारतवर्ष में 150 करोड़ लोग जो रहते हैं उनमें जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन लोगों की गिनती हो और उस गिनती के अंदर ये पता लगे उसके पास मकान है या नहीं है, उसके पास नौकरी है या नहीं है, उसके पास आय का क्या स्रोत है, उसके पास खेती कितनी है, उसके पास क्या क्या व्यवस्था है, उसके हिसाब से फिर ये आंकड़े सरकार देखकर जो हमारे क्या जर्नल क्या जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएगी और उन योजना का लाभ SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं जर्नल समाज के लोगों को भी दिया जाए। ये जातिगत जनगणना कराने का हमारा मकसद है। और दूसरा, जो 76 साल में जो 10% के लोग हैं 90% कब्जा कर जमाए बैठे उनकी पोल खुले देश के सामने कि वो कैसे हमारा अधिकार छीनकर, हमारे बच्चों का अधिकार छीनकर पूरे देश की सरकारी संस्थान और राजनीति में कब्जा कर। अधिकार कहाँ छीने, वो अपने योग्यता के आधार पर पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि हक अधिकार छीन रहे हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब वैकेंसी 800 हैं
और उस वैकेंसी के अंदर 450 से ज़्यादा हमारी वैकेंसी हैं और हमें सिर्फ वहाँ पर 100 वैकेंसी मिलती है, तो वो जो हमारी जो 350 वैकेंसी है वो कहाँ जा रही है 76 साल से। हर महकमे के अंदर जब हमारी संख्या 90% है, 60 से 70% OBC है, ST के कम से कम 15.5 और 7.5% ये हैं, और ये बताइए हमारी संख्या के हिसाब से हमें हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है। तो लेकिन इस पर भी भाजपा सरकार काम कर तो रही है, सभी वो जितने भी बहुजन समाज है उसके लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है। देखिए भाजपा सरकार के राज में ही सबसे ज़्यादा हक अधिकार बहुसंख्यक समाज का छीन रहा है, बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। आज देश के अंदर कहीं भी आप हाई कोर्ट के अंदर चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाइए, वाइस चांसलर में देख लीजिए, आप देश के किसी भी सरकारी संस्थान प्राइवेट में देख लीजिए, मीडिया के अंदर देख लीजिए, आप जितने भी मीडिया के मालिक हैं वो सारे स्वर्ण समाज के हैं, जितने भी मीडिया के डायरेक्टर मैनेजर जितने एडिटर हैं सब वही लोग हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। देखिए इस देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि OBC समाज देश के अंदर हर दूसरा व्यक्ति OBC समाज है, तो 99 के अंदर इन्होंने RSS के साथ मिलकर अपने को OBC में डलवाया, OBC के नाम से लड़ाई लड़ी 14 के अंदर, OBC ने इसका साथ दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे ही उनको ये पता देश में SC ST के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उड़ीसा से हमारी राष्ट्रपति को ले आए मुर्मू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति 27 और SC ST के मंत्री 47 बना दिए, तो उन 47 व्यक्तियों के भले के लिए हमारा आरक्षण नहीं मिला। हमारा संविधान में हक अधिकार है, जो हमारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मौका तो बहुजन समाज को ही दे रहे, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में से BJP जीते, उसमें से 2 में से बहुजन समाज को आगे बढ़ाया है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया है। मैंने तो पहले ही कहा अगर एक मुख्यमंत्री बनाने से अगर हमारा आरक्षण मिल जाता है, हमारा संविधान बच जाता है, हमारी वोट की ताकत बच सकती है, तो हम माने। लेकिन एक मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, देश का संविधान तोड़ा जा रहा है, देश की EVM द्वारा वोट की चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं जो है आज सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोगों का हनन, हक अधिकार छीनने का काम, अत्याचार अन्याय का काम तो वर्तमान में सरकार में हो रहा है। कैसे आप कह रहे हो OBC और SC ST को हक मिल रहा, सिर्फ एक राष्ट्रपति बनने से अगर हमारा हक मिल जाता तो मैं राष्ट्रपति का धन्यवाद करूँगा। लेकिन जब राष्ट्रपति के बनने के बाद आप मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ हमें आरक्षण मिला, कहाँ हमें राजनीति में हिस्सेदारी मिली? कुछ लोगों को हिस्सेदारी मिलती है और वो उसी की गाइडलाइन पर काम करते हैं जो उनको बनाता है। अब भाजपा सरकार को टारगेट कर रहे हैं, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें भाजपा सरकार की हर जगह लहर बनती हुई दिख रही है, 400 पार के नारे उन्होंने पहले ही दे दिए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो गोदी मीडिया ये लहर बनाने का काम कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, तो मुझे ये बताइए उनको कौन सा ऐसा भगवान ने अंतर दिया या भगवान उनके रात के सपने में आते हैं कि उनको बोल के जाते हैं कि आप 400 का नारा दो। ये 400 का नारा EVM द्वारा दिया जाता है, EVM भी BJP का एक सहयोगी साथी है, और देश के अंदर 14 से लेकर अब तक जितना EVM ने हमारी वोट की चोरी की है और वोट की चोरी करके ये सरकार चुनी जा रही है। EVM का मुद्दा लगातार चुनाव से पहले से उठता आ रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग नहीं माना है कि EVM से चोरी हो सकती है। क्यों? जब एक अंतरिक्ष में जो है कंप्यूटर से यान जा सकता है, चंद्रमा तक जा सकता है, हमारे पैसे जो है हमारे से अलग कहीं भी बैठा हुआ है, कंप्यूटर से हमारे पैसे बैंकों से जा रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि EVM से भी चोरी हो सकती है। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि EVM से कैसे चोरी हो रही है, तो जो हमारे बड़े बड़े इंजीनियर जो बार बार डेलीगेशन के रूप में वहाँ जाते हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL का रखा, उनको बुलाकर चुनाव आयोग मशीन लेकर तो उनके सामने बैठे, एक बार वो कह रहे हैं हमारे सामने मशीन रखी है, हमें खोल के बताइए, हम बताएंगे आपको, हम जंतर मंतर में ही बता रहे हैं उस मशीन को खोल कर, बता रहे हैं कैसे वोट की चोरी हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि मशीन को बिना छेड़े आप इसको बताइए कैसे एंक होगी। अरे बिना छेड़े कैसे हम मशीन को एंक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय पर जो है EVM और चुनाव आयोग और वर्तमान में सरकार सब एक उस पर चल रही है, जब वो आदेश होता है, जब वो डेट फिक्स करते हैं,
जब उनका आदेश होगा उसी हिसाब से मशीन सेट होगी। इसलिए कहीं ना कहीं ईवीएम भी एक बहुत बड़ा इसके 24 का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो ईवीएम द्वारा ही 400 पार जा सकते हैं। वरना आज बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, देश के अंदर अत्याचार अन्याय देखिए, कहीं ना कहीं चारों तरफ जो है SC ST OBC के लोग नहीं, पूरे देश के लोग आज नोटबंदी की वजह से बिजनेस में दिक्कत आ रही, GST की वजह से दिक्कत, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। रोड पर भी निकले हुए किसान, रोड पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं मजदूर रोड पर है, सब रोड पर निकले हुए हैं जवान किसान। फिर कैसे 400 पार हो जाएगा, कौन सा? फिर आपको ज़रूरत पड़ी कर्नाटक को तोड़ने की, क्यों ज़रूरत पड़ी मध्य प्रदेश तोड़ने की, क्यों महाराष्ट्र तोड़ने की ज़रूरत पड़ी आपको, क्यों गोवा तोड़ने की ज़रूरत पड़ी? अगर आपके पास लोगों का समर्थन है तो आप वोट की ताकत से जीतिए ना, ईमानदारी से एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको और आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है, हम उसके खिलाफ नहीं है, उसकी नीतियों के खिलाफ है। और नीतियां तो जनता के पक्ष में बताते हैं ना, वो अगर नीतियां पक्ष में नहीं तो जनता वोट नहीं देती, और तीसरी बार हैट्रिक नहीं मार रहे होते वो। ना जनता वोट नहीं दे रही है, ईवीएम से हमारी वोट की चोरी हो रही है। आप अगर ऐसा नहीं मानते हो तो आप उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराकर 24 का आप देख लीजिए, अगर 24 में बैलेट पेपर से आप जीत जाते हो तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, वरना हम ईवीएम हटाओ देश बचाओ के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका भी यही मुद्दा है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें जो सत्ता में बैठी सरकार है उनसे तकलीफ नहीं है, हमें उनकी नीतियों से तकलीफ है जो कि जनता के हित में नहीं होती है। और इन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव रखा है मोदी सरकार के सामने। अब देखना ये कि प्रस्ताव को वो सरकार स्वीकार करती है कि नहीं, अगर स्वीकार नहीं करती है तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। बाकी आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।